मित्रों, मैं सूर्य प्रताप सिंह, पूर्व IAS अधिकारी, आपसे फिर मुखातिब। आज का मुद्दा महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश सरकार 4 साल का अपना जश्न मना रही है, कह रही है 4 लाख सरकारी नौकरियां हमने दे दी। अब आप देखें कहां नौकरी दी गई, लिस्ट देंगे उसकी, विभागवार सूची देंगे क्या उसकी? बेरोजगार युवा कह रहा है कहां है, कब विज्ञापित हुई, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। वो होर्डिंग देख के लोग चिढ़ते हैं, वो युवाओं के जो खाब हैं उन पर नमक छिड़कने का काम सरकार कर रही है, रोजगार तो देती नहीं। दुर्गेश चौधरी का विज्ञापन निकाला, वीडियो निकाला, वो नेपाल भाग गया, वो झूठा निकला, हमने उसको खोला। उसके बाद मोहम्मद रियाज का जो मुर्गी पालक है, उसको रोजगार देने की बात की, नौकरी देने की बात की, उसकी हमने पोल खोली। पर अभी ABBP का सर्वे आया है कल, उसमें दिखाया गया कि बेमिसाल सरकार, नंबर 1 मुख्यमंत्री, उस झूठ की पोल भी हमने आज खोली है। और आज एक ट्विटर पे जीनीज द्वारा एक सर्वे कराने की कोशिश की गई, जो युवा उसके पीछे पड़ा, उसने देखा कि भाई वो देखना चाह रहा था कौन नंबर 1 मुख्यमंत्री है, और जब देखा वो परास्त हो गया उसका उद्देश्य, तो वो ट्वीट डिलीट करके भाग गया। इस तरह की जो धोखाधड़ी, जो विज्ञापन, जो पब्लिसिटी, जो मैनेजमेंट है, उसको सरकार छोड़ती क्यों नहीं है? अभी ट्विटर पे एक ट्रेन चलाने की कोशिश की गई कि बेमिसाल 4 साल, युवा जब पीछे पड़ा, हम लोगों ने एक ट्रेन चलाया जो आज 1 लाख से ऊपर ट्वीट हो चुके हैं। 4 साल UP बेहाल, मुंह तोड़ जवाब दिया युवाओं ने उनका। मुझे समझ नहीं आता है, सरकार नौकरी नहीं देके और सब करना चाहती है। तमाम तरह का नाटक करेंगे, विज्ञापन निकालेंगे, TV में देंगे, अखबार में देंगे, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और नौकरी नहीं देंगे बच्चों को। मेरा अनुरोध है सरकार से, अहंकार छोड़े और इस तरह की नाटकबाजी या शोर शराबा झूठा छोड़े, नौकरी दे तो बच्चे संतुष्ट होंगे। अभी भी 1 साल का समय, आप 4 साल में कुछ कर नहीं पाए, आप बहुत आभार।